प्रदेश भर में भाजपा के शक्ति सम्मेलन की आज से शुरुआत हुई। 51% बूथ शेयरिंग पर फोकस करने के लिए बीजेपी विधानसभा क्षेत्र 19 डबरा का बूथ स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित किया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। उन्होंने बूथ प्रभारी कार्यकर्ताओं एवं केंद्र प्रभारी से एक एक कर चर्चा की। उन्हें बूथ को मजबूत बनाने और प्रत्येक बूथ से भाजपा को जिताने का मंत्र दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया गया है, जहाँ ये सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा के शक्ति केंद्रों पर शक्ति सम्मेलन की शुरुआत की गई है। 3 दिवसीय सम्मेलन 19 अक्टूबर तक चलेंगे। हर बूथ पर पार्टी के नेतृत्व में उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने प्रचंड बूथ विजय की प्रतिज्ञा ली है। वहीं डबरा विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी इमरती देवी ने डबरा को जिला बनाने की मांग की है। असंभव कार्यों को संभव करवाया। जहाँ एक तरफ कांग्रेस कहती थी साधन नहीं है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस कहती थी कि मनोबल नहीं है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस कहती थी वोट हासिल करने के बाद संकल्प से सिद्धि तक पहुँचने के लिए कोई कार्य प्रणाली नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध करके 3 वर्षों में करके प्रदेश की जनता को दिखाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी मेहनत मशक्कत, हमारे रिकॉर्ड के आधार पर, केवल मैनिफेस्टो कागज के पर्ची पे नहीं, केवल सुंदर सुंदर भाषणों के आधार पर नहीं, लेकिन कथनी को करनी में परिवर्तित करके प्रधानमंत्री जी की विकास और प्रगति की एक नया इतिहास जो संपूर्ण राष्ट्र में रचा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी रचा गया, उसके तहत पे पूर्ण जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता